हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ इंटरव्यू के ऊपर। इंटरव्यू कब होता है आरएमसी के एग्ज़ाम के बाद, और जितने भी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं इंटरव्यू से लेकर, वो हम सारी आज इस वीडियो में बनाने वाले हैं। क्योंकि इस बार जो इंटरव्यूज़ कंडक्ट हुए थे, उससे पहले पेरेंट्स के बहुत हमारे पास कॉल्स आए, तो हम चाहते हैं कि एक बार ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो बना लें और ये पेरेंट्स फिर बाद में भी देख सकते हैं, या प्रायर अगर पेरेंट्स को ये नॉलेज हो तो वो ऑलरेडी इंटरव्यू के लिए अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। टॉपिक भी हमारा सीधा साधा है, कब होता है आरएमसी का इंटरव्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न एग्जाम के बाद, रिजल्ट आने के बाद कब इंटरव्यू होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे को टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन का। ओके, और इंटरव्यू से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी हम बात करेंगे, लाइक डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आंकड़ों की बात करते हैं, थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं डेट की बात करूं, ठीक है, देखिए 2024 के आंकड़े आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं, जून वाले एग्जाम के। तो डेट ऑफ एग्जाम था हमारा, वैसे तो फर्स्ट या सेकंड ऑफ जून को एग्जाम होता है, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया था इलेक्शंस के वजह से, तो 8th of June को हमारा एग्जाम हुआ था। ठीक है, रिजल्ट का कोई फिक्स नहीं होता, आपको पता ही, आरएमसी आजकल बहुत डिले कर रहा है। कायदे से 2 महीने बाद रिजल्ट आया करता था, जून में एग्जाम हुआ है तो पूरा जून और पूरा जुलाई, ओके, आप कह सकते हैं कि कॉपीज चेक होने में लगता था, और फिर अगस्त भी आप लगा लीजिए तो सितंबर की फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाता था। लेकिन कोविड के बाद से काफ़ी लेट रिजल्ट आना शुरू हुआ था, और वो अभी तक उसका असर देखने को मिल रहा है। इस बार भी जो बच्चों का रिजल्ट आया है जून वाला, वो आया है 26th of October। ठीक है, और आपको जान के ये हैरानी होगी, पेरेंट्स को लगता था कि रिजल्ट के बाद हमें काफी समय मिल जाएगा, एटलीस्ट 1 महीना तो मिलेगा इंटरव्यू के, लेकिन ऐसा नहीं है। 26th of October को आपका रिजल्ट आया, और 7th November से लेकर आपके 11th November तक इंटरव्यूज सारे के सारे सारे स्टेट्स में कंडक्ट हो गए थे। ठीक है, तो कुछ बच्चों का 7th को था और लास्ट में कुछ बच्चों का 11th तक इंटरव्यूज गए। तो आप देख सकते हैं बीच में आपको मुश्किल से 10-12 दिन मिले हैं इंटरव्यूज की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन बच्चों को साइमल्टेनियसली करनी चाहिए। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा यहां पर, साइमल्टेनियस प्रिपरेशन बच्चों की होनी चाहिए इंटरव्यू की, वाइल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर रिटन एग्जामिनेशन। तो लिखित परीक्षा की जब बच्चे तैयारी करते हैं तो साथ साथ में इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, कम से कम हफ्ते में एक बार। ठीक है, जैसे सैटरडे को एक दिन बच्चे का इंटरव्यू हो सकता है, ताकि बच्चा अकॉर्डिंगली प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि रिटर्न निकालेगा, रिजल्ट आएगा उसके बाद सोचेंगे, तो काफ़ी देर हो जाएगी, और जो बच्चे कम्युनिकेशन में वीक है, इस बार भी बहुत सारे बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम हुई, तो वो फिर उस 10-12 दिन में कोप अप नहीं कर पाते। ओके, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है। अच्छा, अब डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ठीक है, चलिए इंटरव्यू की डेट्स आ गई है, ओके, और अच्छा इंटरव्यू के बारे में कैसे पता लगता है, एक इंटरव्यू लेटर आपको दिया जाता है। ठीक है, बाय पोस्ट भी भेजा जा सकता है या आपको मेल भी किया जा सकता है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रोविजन है। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए आप लोगों को बाय मेल, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जब आरएमसी का भरा होता है उसमें जो आप मेल डालते हो उस पर ये इंटरव्यू लेटर भेजते हैं, और आपको टेलीफोनिकली भी इंटीमेट किया जाता है कि आपके बच्चे का इंटरव्यू इस तारीख को है। ठीक है, अब उस इंटरव्यू लेटर को मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, उसमें सारी डिटेल्स दी रहती है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू के वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो उसमें भी, क्योंकि देखिए समय कम मिलता है, तो उसमें भी पेरेंट्स थोड़ा सा हैरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कम समय मिलता है तो वो डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाएं। तो मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स पहले से प्रिपेयर्ड रहें और उन डॉक्यूमेंट्स को भी तैयार करें। तो आइए उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको बता दूँ जो आपको बच्चों के लिए इंटरव्यू में साथ में ले जाने पड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि बच्चों के जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बच्चों की, ठीक है, बच्चों की जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अभी, उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि कम से कम जो बच्चों का जो एग्ज़ाम होता है, वो जब बच्चा 6th में हो, 6th के दिसंबर में बच्चों का एग्ज़ाम होता है, और इंटरव्यू आप ये लगा लीजिए कि अप्रैल में इंटरव्यू होगा, अगर मैं दिसंबर वाली बात करूँ, या मई में होगा, अगर उस वक्त आपके पास रिजल्ट्स हैं और पासिंग सर्टिफिकेट्स हैं तो वो आप ज़रूर ले जाइए। जैसे कि इस बार के जो एग्ज़ाम में था, तो बच्चे 6th का, जो जिन बच्चों ने 6th किया है, और जो जिन जो बच्चे 7th में हैं, वो अपने 7th का मार्कशीट और अपनी पासिंग सर्टिफिकेट ले गए थे। तो पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स आपने ले जाने हैं ओरिजिनल। ठीक है, सारी ओरिजिनल कॉपी रहेगी, ध्यान रखना। सबसे पहले
देखिए, दूसरा आपकी आइडेंटिटी के लिए आपका आधार, ठीक है, तो आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी आपने ले जानी, अभी सारे ओरिजिनल है। अब मैं उन डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा जो डॉक्यूमेंट्स आपने आरआईएमसी भेजे हुए थे एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त। तो एक तो आधार की फोटो कॉपी भेजी, तो यहाँ पर आपसे ओरिजिनल मांगी गई है। उसके अलावा आपसे और क्या क्या भेजा था हमने, हमने डोमिसाइल भेजा था, डोमिसाइल का मतलब है स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, तो डोमिसाइल का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप ओरिजिनल कॉपी ले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा क्या भेजा था हमने, उसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, तो बर्थ सर्टिफिकेट की आप ओरिजिनल कॉपी ले जाएंगे। अगर कोई बच्चे बच्चों के पास कास्ट सर्टिफिकेट है अगर है तो वो भी आप ले जा सकते हैं ओरिजिनल कॉपी, ठीक है। वैसे तो फौज में या आरएएमसी में कोई रिजर्वेशन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, लेकिन आप शुरुआत में एप्लीकेशन फॉर्म मंगाते वक्त क्योंकि मेंशन करते हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट की भी ओरिजिनल कॉपी ले जा सकते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बच्चे एससीज या एसटी कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है, ओके। उसके अलावा बोनाफाइड, और ये बोनाफाइड जो होगा ना, ये जो आपने पहले बनाया होगा उसको मत ले जाना। बोनाफाइड का मतलब होता है स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट, ये फ्रेश सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इसका मतलब ये है कि जो वो जो 10 से 12 दिन आपको मिलते हैं ना, जब आपको रिजल्ट के बाद जब आपको इंटरव्यू के लिए 10 से 12 दिन मिलते हैं ना, तो उस वक्त ही आप अपना एक फ्रेश बोनाफाइड सर्टिफिकेट जरूर बनाएं। बोनाफाइड का मतलब होता है स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट, स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, और ये भी आपसे फ्रेश मांगते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जो दिया हो आप उसी को यहाँ पर भेज रहे, नहीं, ठीक है, ये आपको नया बनाना पड़ेगा, एक फ्रेश बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि इसमें आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है स्कूल के अकॉर्डिंगली, तो वो एक तरीके का प्रमाण पत्र ही है, एक तरीके का बेसिकली उसी को बोनाफाइड बोलते हैं, ताकि वहां से भी एक वेरिफिकेशन हो सके। और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, अपना एडमिट कार्ड, ठीक है, जो आपका आरएएमसी के एग्जाम का एडमिट कार्ड जो आता है उसको भी संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये आरएएमसी रिटर्न एग्जाम के एडमिट कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, साथ में एडमिट कार्ड ले जाना भी जरूरी है। और फाइनली जो मैंने आपसे कहा था ना कि आपको एक इंटरव्यू लेटर आता है, तो वो अगर इंटरव्यू लेटर बाई पोस्ट आया तो आप उसको ले जा सकते हैं, अगर मेल आया तो उसकी फोटो कॉपी निकाल के ले जा सकते हैं, तो इंटरव्यू लेटर, ओके। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इंटरव्यू के वक्त ले जाने पड़ते हैं। तो एक प्रॉपर फाइल बच्चा बना के ले जाता है जिसमें उसके सारे एजुकेशन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। कुछ और भी अचीवमेंट्स हो एक्स्ट्रा करिकुलर तो सारे डॉक्यूमेंट्स डाल दीजिएगा, क्योंकि वो देखते हैं, अच्छी बात है। आधार की ओरिजिनल, डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वो सारी एक फाइल बना लीजिएगा। बोनाफाइड वो तो फ्रेश बनेगा उस वक्त जब बच्चे की डेट आएगी इंटरव्यू की। और एडमिट कार्ड, जो आपको एडमिट कार्ड बच्चों को अब जो मिलना शुरू हुआ है, एक वीडियो में एडमिट कार्ड के ऊपर भी बनाऊंगा, क्योंकि इसमें भी काफी पेरेंट्स हैरान परेशान है कि हमें एडमिट कार्ड नहीं मिला, तो इसके ऊपर एक डिटेल्ड से अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। और इंटरव्यू लेटर, ओके, तो इन सभी रिकॉर्ड्स को आप ले जाएंगे और इन सभी रिकॉर्ड्स को आप वहां पर जो भी आपका सेंटर होगा, एजुकेशन सेंटर जहां पर भी आपका इंटरव्यू है, वहां पर आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाएंगे, बेसिकली आपसे मांगे जाएंगे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, ओके। और इंटरव्यू के बारे में अगर आपको और डिटेल्स जाननी है कि इंटरव्यू में क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए आपके साथ, आपके लिए बहुत सारे इंटरव्यूज के, तो वो आप जरूर देखिएगा, थोड़ा सा आइडिया आपको इंटरव्यू के भी बारे में मिलेगा, ठीक है। एट द एंड आई होप कि इसमें मैंने सारी चीजें कवर कर ली है। मैं एक बार क्विक रिकैप आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ज्यादा समय नहीं मिलता इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, 10 से 12 दिन के अंदर ही आप देखो कि इंटरव्यू कंडक्ट आरएएमसी करवा देता है रिटर्न रिजल्ट्स आने के बाद। दूसरी बात यह है कि क्योंकि समय कम मिलता है तो मैं बच्चों से पहले से बोलता हूँ कि साइमल्टेनियस प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू इज इंपॉर्टेंट। जब आप अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम हफ्ते में एक बार आपने अपने इंटरव्यू पर फोकस करना है, अपनी पर्सनैलिटी पर फोकस करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन किसके ऊपर एक अलग से वीडियो में डिटेल्ड बनाऊंगा इंटरव्यू के बारे में, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ओके। और इसके बाद आपको कैसे इंटीमेशन मिलता है, एक इंटरव्यू लेटर आता है और टेलीफोनिकली भी आपको इंटीमेट करते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जो भी आप मेल आईडी डालेंगे और जो भी आप फोन नंबर डालेंगे वो वैलिड होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कभी कभी बच्चे पेरेंट्स से ये भी गलती जाती है कि सर मेल तो डाल दी हमने मेल आईडी, वो उसका पासवर्ड हम भूल गए, तो ऐसा मत करना, वो आपको एक जगह नोट करना पड़ेगा कि आपको याद रहे बाद में भी, क्योंकि वहीं से कम्युनिकेशन होता है आपका आरएएमसी के साथ, ओके। और ये डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आप सारे डिस्कस कर ही लिए, तो जाते जाते मैं आपको कुछ इंटरव्यू लेटर्स भी दिखाना चाहता हूँ, किस टाइप के इंटरव्यू लेटर्स आपको देखने को मिलेंगे, ओके। सो बेसिकली एक इंटरव्यू लेटर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये इंटरव्यू लेटर है
उड़ीसा के बच्चों के लिए, ओके, और इसमें साफ साफ लिखा गया है दैट यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट बिफोर द सिलेक्शन बोर्ड बाय 10 AM एंड विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड इन ओरिजिनल, जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने डिस्कस किए थे वो सारे यहाँ पर मैंशन है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट एंड ऑल, ठीक है, और क्योंकि इन सभी को RIMC से भेजा जाएगा अलॉन्ग विद द वाइवा वॉइस रिजल्ट, या आपके इंटरव्यू के रिजल्ट के साथ डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं। प्लस ये भी लिखा गया, यू आर फर्दर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द कॉपी ऑफ दिस डिपार्टमेंट लेटर, तो ये जो इंटरव्यू लेटर है इसकी भी कॉपी साथ में जरूरी है, ओके। और एक और है मेरे पास, मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा, ओके, सो देयर इज वन मोर, और ये उत्तराखंड से है, ठीक है, तो ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें थोड़ा सा हिंदी में लिखा गया है, ओके, तो हिंदी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये 8 नवंबर को इंटरव्यू था, 8 नवंबर को इनको बुलाया गया था RIMC देहरादून में। देहरादून या उत्तराखंड की खास बात यह है कि यहाँ के बच्चों को RIMC में ही बुलाया जाता है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, देखिए इसमें लिखा है लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र, तो रिटर्न एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड, शैक्षिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र, जैसे मूल एंड ऑल, ठीक है, मूल में मतलब ओरिजिनल मांगे गए हैं, शैक्षिक का मतलब है एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन वाले हैं, और कुछ जो भी आपके पास और सर्टिफिकेट हैं वो आप ले जा सकते हैं, मूल निवास जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, और साथ में साक्षात्कार आमंत्रण पत्र, मतलब जो इंटरव्यू लेटर आपको मिला है ये भी आपको साथ में ले जाना है, ओके। तो मैंने आपको एक सैंपल दिखा दिया है किस तरीके से, ये सैंपल आपको अलग अलग स्टेट्स में, यहाँ पर हिंदी भाषा में ये सैंपल दिखा दिया, और एक मैंने सैंपल आपको इंग्लिश में दिखा दिया, ओके। सो जाते जाते आपके सामने मैं रिजल्ट्स दिखाना चाहता हूँ। ये जिज्ञासा खुशहाल है और कीर्तिका, ये दोनों लड़कियां उत्तराखंड से है। उत्तराखंड से सिर्फ 3 गर्ल्स ने इस बार रिटर्न क्वालिफाई किया है, जिसमें से एक ऑलरेडी RIMC में है, भव्य पाल। तो सिर्फ 2 लड़कियां हैं जो उत्तराखंड से हैं, और दोनों डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी से हैं, तो हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है। उसके अलावा बाकी और जगह से भी रिजल्ट्स हैं, हरियाणा से है रुद्र आलूवालिया, इसका भी इंटरव्यू हो गया है, और इंटरव्यू के वीडियोज इन सभी बच्चों के मैं शेयर करूंगा। दानी ओहो का बहुत बेहतरीन इंटरव्यू गया है, अरुणाचल प्रदेश से है, बहुत ही बेहतरीन बच्चा है दानी ओहो, इसका इंटरव्यू बहुत मजेदार गया है, मैं आपको इसका मॉक इंटरव्यू भेजूंगा। कीर्तिका का ऑलरेडी इंटरव्यू आ चुका है, आप नीचे लिंक में देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिलेगा। सिक्किम से केसर रिंगजिन भूटिया है, ओके, तो ये भी इनका भी इंटरव्यू सभी बच्चों का हो चुका है। वरुण मोहन अदल का इंटरव्यू 11th को ही हुआ, महाराष्ट्र का है। रुद्र पठानिया का जल्दी हो गया था, दिल्ली से है, रहने वाला हिमाचल प्रदेश से है, क्योंकि दिल्ली से फादर इसके पोस्टेड है, तो वहीं इसने एग्जाम भी दिया और इंटरव्यू भी इसका वहीं हुआ। उसके अलावा शिवराज नखाटे, ही इज ऑलरेडी इन RIMC, ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने गाइडेंस ली थी, तो इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ, 2 गर्ल्स और हैं, क्योंकि जब लड़कियाँ निकलती है तो खुशी हमें भी बहुत होती है, जिसमें से श्रवणी और आराध्या, एक है महाराष्ट्र से और एक है हरियाणा से। तो मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि इन दोनों लड़कियों ने मुझसे सिर्फ इंग्लिश में सपोर्ट लिया था डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी से, तो मैं इनको इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो यहाँ पर आपको श्रवणी और आराध्या दोनों बच्चे देखने को मिल जाएंगे, ओके। और इन्होंने सिर्फ इंग्लिश के लिए, मैं बहुत ही क्लियर स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि इन बच्चों ने मुझसे सिर्फ इंग्लिश में गाइडेंस ली थी, तो इंग्लिश की गाइडेंस के लिए मैं इनका रिजल्ट यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ।